डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं व्हाई डू एटम्स रिएक्ट, कि एटम रिएक्ट क्यों करते हैं, केमिकल बॉन्ड क्या आता है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड की कौन कौन सी टाइप्स हैं, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेज किससे कहते हैं, और आगे इंटरमोलेक्युलर फोर्सेज की आगे टाइप्स, और लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज। डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो द थिंग्स अराउंड अस आर कंपोज्ड ऑफ मैटर। हम ये जानते हैं कि हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी किसी से मिलकर बनी हुई हैं, मैटर से मिलकर बनी हुई। व्हाट इज़ मैटर? एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, कोई भी चीज़ बच्चों जो एग्जिस्ट कर रही है, जिसका वजूद है, वो मैटर कहलाती है। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर वे से डिफाइन करें तो मैटर इज़ एवरीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कि कोई भी चीज़ जिसका मैस हो और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करे, मैटर कहलाती है। अब बच्चों, मैटर किसी से मिलकर बना होता है? All matter is made up of atoms. के matter जो है वो atoms से मिलकर बनता है। Atoms are the building units of matter. अब बच्चों, ये वाले जो atoms हैं, ये different ways से combine होते हैं और combine होने के बाद molecules बना देते हैं, जिससे हमारे पास atom की different state appear हो जाती हैं, सामने आती हैं, like solids, liquid, gas, plasma. अब बच्चों, इन atoms को molecule में जो force bind करके रखती है, उस फोर्स को केमिकल फोर्स या फिर केमिकल बॉन्ड्स का नाम देते हैं, क्लियर, जिनको हम इसी चैप्टर में नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं। द फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड केमिकल फोर्सेज आर केमिकल बॉन्ड। व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स? कि एटम्स केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं? बच्चों, इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज़ है, उसकी ये डिज़ायर है, एक यूनिवर्सल रूल है कि वो स्टेबिलिटी चाहती है, क्लियर। तो सेम इसी तरह एटम्स की भी ये डिज़ायर है कि वो स्टेबल हों, क्लियर। अब एटम कैसे स्टेबिलिटी अटेन कर सकते हैं? एटम अचीव स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। कि एटम जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसी अचीव करके स्टेबिलिटी अटेन करते हैं। अब नोबल गैसेस क्या होती हैं बच्चों? ये हमने पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं उनको नोबल गैसेस कहते हैं, क्लियर। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, क्लियर। और इनको नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अनरिएक्टिव होती हैं, दे डोंट रिएक्ट, इनर्ट गैसेस होती हैं, और इनको जीरो ग्रुप का नाम भी देते हैं, क्लियर। और बच्चों, इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो है NS2NP6। इनके वैलेंस शेल में 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हैविंग 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज साइन ऑफ स्टेबिलिटी। किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स स्टेबिलिटी का साइन है। अब वैलेंस शेल बच्चों किसे कहते हैं? वैलेंस शेल कहते हैं लास्ट शेल को, क्लियर। जो आउटर मोस्ट शेल है किसी भी एटम का, उसको वैलेंस शेल कहते हैं। अब वैलेंस शेल इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी एटम की जो वैलेंसी है वो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करते हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्ड में, बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही हिस्सा लेते हैं। अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करना डुप्लेट रूल कहलाता है। व्हाइल अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करना ऑक्टेट रूल कहलाता है, क्लियर। ऑक्टा का मीनिंग होता है 8। तो बच्चों, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में अगर 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मीन के वो स्टेबल है। 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज अ साइन ऑफ स्टेबिलिटी। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ में ना एक क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में, व्हाई नोबल गैसेस आर अनरिएक्टिव, नॉट रिएक्टिव। तो बच्चों, उसकी सिंपल सी रीज़न है कि जो नोबल गैसेज हैं उनके वैलेंस शेल में 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लियर। इट मीन्स कि नोबल गैसेज का जो वैलेंस शेल है वो कम्प्लीटली फील्ड होता है, जिस वजह से उनके वैलेंस शेल में कोई वेकेंट स्पेसेस नहीं होती, खाली जगह नहीं होती कि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकें। इसी वजह से जो नोबल गैसेस हैं वो ना तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करती हैं, ना ही लॉस करती हैं, और ना ही शेयर करती हैं। यही रीज़न है, दैट्स वाई नोबल गैसेज आर अनरिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, इनर्ट, क्लियर। The noble gases do have 2 or 8 electrons in their valence shells. It means all the noble gases have their valence shell is completely filled. कि noble gases के valence shell में 2 or 8 electrons होते हैं,
जिस वजह से उनका जो वैलेंस शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है. देयर एटम्स डू नॉट हैव वैकेंट स्पेस इन देयर वैलेंस शेल टू अकोमोडेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. उनके वैलेंस शेल में खाली जगह नहीं होती कि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकें. दैट्स वाई देयर डू नॉट गेन लॉस आर शेयर इलेक्ट्रॉन. इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन ना तो शेयर करती हैं, ना लॉस करती हैं, ना ही गेन करती हैं. यही रीज़न है कि वो नॉन रिएक्टिव होती हैं. अब बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ में से भी एक बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाई डू एटम्स रिएक्ट. कि एटम रिएक्ट क्यों करते हैं. तो बच्चों इसका आंसर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, एटम्स रिएक्ट टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड. कि एटम्स क्यों रिएक्ट करते हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए. एंड अचीव स्टेबिलिटी. और नंबर सेकंड, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए बाय एक्वायरिंग इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन. अब बच्चों कोई भी एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे अकोमोडेट कर सकता है, तो उसके लिए हमारे पास 3 वे हैं. नंबर 1, बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स टू अदर एटम्स. कि वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम को दे दे, डोनेट कर दे. क्लियर. और ये कब देगा, जब उसके वैलेंस शेल में 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स हों, इट मीन 1 हो या फिर 2 हो. क्लियर. तो वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे के 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है. बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम, या फिर किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, ले ले. क्लियर. और ये कब इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है कोई भी एटम, अगर उसके वैलेंस शेल में 5 या फिर मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, 5 हो या फिर 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो. और जो थर्ड वे है वो ये है कि बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स. कि अपने वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी दूसरे एटम के साथ शेयर करके. क्लियर. तो अभी हमने ये देखा कि कोई भी एटम 3 वे से अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इफ दे आर लेस देन 3. अगर उसके वैलेंस शेल में 3 से कम इलेक्ट्रॉन तो वो किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे दे के, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन गेन करके. व्हेन, जब उसके वैलेंस शेल में 5 या फिर 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो. क्लियर. और नंबर थर्ड, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स. इट मींस एवरी एटम हैव नेचुरल टेंडेंसी टू हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. द एटम्स हैविंग लेस देन 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स आर अनस्टेबल. कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में अगर 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो अनस्टेबल होता है.